तो हमने इस पार्ट पे फोकस करना है, पिटी एंड फियर अफेक्टिंग द परगेशन ऑफ दीज इमोशंस, ठीक है। ये पूरी डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, पूरी डेफिनेशन पे हमें जब पोएटिक्स के बारे में डिस्कस करना हो और पूरी ट्रेजेडी के एलिमेंट के बारे में तो जाना पड़ता है, ठीक है। तो अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ कैथारसिस एक्चुअली उसका एक आंसर माना जाता है प्लेटो के जो चार्जेस थे ट्रेजेडी के ऊपर, ठीक है, कि ये हमारे इमोशंस को डिवाइटलाइज करती है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो अरिस्टोटल्स कैथारसिस कैथारसिस इज एक्चुअली एन आंसर टू प्लेटोस चार्जेस। ये माइक बंद कीजिए, चार्जेस ऑन अच्छा ट्रेजेडी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, कैथारसिस अरिस्टोटल ने एक्चुअली प्लेटो के उस चीज को जो ट्रेजेडी पे वो फोकस करके कहता है कि ट्रेजेडी डिवाइटलाइज करती है इमोशंस को, उसके लिए दिया था। अब ये पूरी चीज इमोशनल है कैथारसिस, ठीक है। तो क्या कहता है वो, आगे देखते हैं कि वो कहता है दो इमोशन है जो ट्विन इमोशन कहलाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अरिस्टोटल ने कौन से ट्विन इमोशंस की बात की है, तो एक क्वेश्चन और बन रहा है आपके लिए। ट्विन इमोशंस जो अभी आपने देखे, पिटी एंड फियर, ये ट्विन इमोशंस हैं, ठीक है। तो कहता है ये डेंजरस हैं, अनहेल्दी हैं। प्लेटो कहता है कि ये जो पिटी एंड फियर जो अरिस्टोटल कहता है वो बेसिकली अनहेल्दी चीजें हैं, या फिर ट्रेजेडी में पिटी और फियर जो होती है वो बड़ी अनहेल्दी चीज है। तो अरिस्टोटल उसी को डिफेंस करता है, ठीक है। वो कहता है पिटी एंड टेरर जो है वो टू फोल्ड ऑडियंस रिएक्शन है, ठीक है। और जैसे जैसे हीरो जो है सफर करता है, प्रोटागोनिस्ट, वो सीधे सीधे असर करता ऑडियंस के माइंड में, ठीक है। तो पिटी एंड फियर एक प्रोसेस को डिफाइन करता है, कहता है कि जिसमें आपकी ऑडियंस उसके साथ अपने को कनेक्ट करने लगती है, ठीक है। और कैथारसिस यहीं से शुरू होता है पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं वो है कैथारसिस क्या है। अब आप इसको गौर से सुनिएगा, यहां से आपका पॉइंट शुरू होता है और अब आपको पूरा लिटरेचर का फ्लेवर आने वाला है इसमें, क्योंकि ये है असल में लिटरेचर को समझना। तो क्या कहना चाहता है वो मैं बिल्कुल आपको समझाना शुरू करता हूं। देखिए अरिस्टोटल कैथारसिस में वो कहना चाहता है कि जब हम ट्रेजेडी को देख रहे होते हैं तो पिटी और फियर के जो इमोशन हमारे अंदर अराउज होते हैं, पैदा होते हैं, जो ऑडियंस है, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारे अंदर हम जो है क्या पैदा कर देते हैं, परगेशंस ऑफ इमोशंस। यानी कि परगेशंस का मतलब है वो हमारे इमोशन को प्यूरिफाई कर देते हैं, प्यूरिफाई कर देते हैं हमारे इमोशन को। अब इसी को समझने में सारा खेल है, तो इसको मैं समझा रहा हूं, आप गौर से देखिएगा। मान लिया यहां पर एक ड्रामा चल रहा है एंड देर आर सर्टेन कैरेक्टर इन द स्टेज एंड हियर ऑडियंस इज सिटिंग। तो पहले मैं आपको ये समझाने के लिए थोड़ा अलग ले चल रहा हूं ड्रामा से, मैं आपको ले चल रहा हूं पहले मूवी में, मूवी थिएटर में, ठीक है। अब जरा मूवी थिएटर में चलते हैं। मूवी थिएटर में क्या होता है कि एक हीरो है बेचारा, बहुत सीधा साधा है, ऑलराइट। आप अपने जो कहीं पर कंफ्यूजन होगा पूछ सकते हैं माइक खोल के। हीरो है सीधा साधा और हीरो को आप देख रहे हैं कि सब तंग कर रहे हैं, एक बहुत उसे परेशान कर रहा है और उस गुंडे के प्रति आपके अंदर नफरत आती जा रही है। और फिर हीरो को वो जेल में डलवा देता है, हीरो सफर कर रहा है, उसके घर वालों को टॉर्चर करते हैं। आप मूवी के साथ साथ चल रहे हैं और एक पल ऐसा आता है कि जब हीरो को जो है वो एक कन्वर्जन होता है और वो कन्वर्ट होता है अचानक क्लाइमेक्स में, और जब वो पहला तमाचा उस गुंडे को मारता है, उसे पीटना शुरू करता है,
तो आपने हॉल में तालियों और सीटियों की आवाज सुनी है क्या? यस सर, बोलिए, सुनी है? यहां तक कि यस कुछ लोग तो ऐसा सर, करते हैं कि वो सीटी ताली छोड़ के ये भी कहने लगते हैं, मार मार और मार। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, आपने सुना होगा। क्या आपको तेरे नाम फिल्म की एंडिंग ने डिस्टर्ब किया था? ठीक है, आप तो चाह रहे थे कि जो है राधे जो है मिल जाए हीरोइन से, पागल सही हो जाए, लेकिन वो इतना ट्रेजिक हो गया कि आपने सोचा ये तो बहुत ही गंदी एंडिंग है, इसको कभी मत देखना, तो बेचैनी हो गई आपको उस फिल्म के बाद, बोलो। ठीक है, अब क्या आपको तब भी बेचैनी हुई थी जब जो है किसी फिल्म में जो हीरो बहुत अच्छा होता है और आप उसके साथ बहुत सिंपैथी रखते हैं, लेकिन लास्ट में वो फिल्म में कुछ अच्छा नहीं होता और वो हीरो भी खत्म हो जाता है और फिल्म भी खत्म हो जाती, होती है ना बेचैनी? सर एक फिल्म है सर, सदमा, कमल हसन की और श्रीदेवी श्रीदेवी की सदमा, सदमा बहुत बेचैनी हो गई होगी की। आपको उस फिल्म में। ठीक यस सर, यस है, सर, यस अब सर, ले यस चलते हैं आपको 90s की फिल्मों में। वहां पर मिथुन चक्रवर्ती होते थे, बड़े गरीब घर के, और फिर उनकी बेटी जो जिससे वो शादी करने के लिए जिससे प्यार करते थे, उसके पिताजी उससे कहते थे पहले तुम अपनी हैसियत बनाओ तब हाथ मांगना। फिर वो बेचारा मेहनत करता था, लेकिन फिर एक बीच में गुंडा आ जाता था और फिर लास्ट में एन वक्त पे कादर खान आके गोली मार के बचा लेता था कहीं से, और फिर लड़ाई वड़ाई होती थी बीच में, जब वो सीधे हीरोइन का बाप आ जाता था और मरते मरते दोनों के हाथ पकड़ के कहता था इसका ख्याल रखना, और एक फैमिली फोटोग्राफ के साथ द एंड हो जाता था, हम बड़े रिलैक्स होके आ जाते थे, चलो मिथुन दा को हीरोइन मिल गई। बोलो, सुना है, देखा है? अब यस मेरा इस सर, सारी चीजों को समझाने के लिए एक श्रेय, एक चीज थी, मैं कैथारसिस से भी पहले जाऊंगा, एक टर्म पे जिसे हम कहते हैं पोएटिक जस्टिस। तो जहां जहां आपकी फिल्म में बेचैनी बरकरार रही वहां पोएटिक जस्टिस नहीं मिला, और जहां लास्ट में हीरो हीरोइन की शादी हो गई और आप खुशी खुशी घर गए वहां पोएटिक जस्टिस मिला। इसका मतलब, पोएटिक जस्टिस का मतलब है कि व्हेन समबडी इज रिवॉर्डेड, ठीक है, विद व्हाट ही डिड, यानी बुरे को बुरा मिल जाए परिणाम और अच्छे को अच्छा मिल जाए तो हमारे दिल में सुकून होता है, और इसे कहते हैं हम पोएटिक जस्टिस। किसी भी कविता में, किसी भी वर्क में, किसी भी नॉवल में अगर बुरे का परिणाम सजा के तौर पर मिल जाए, अच्छे को इनाम मिल जाए, तो हम कहते हैं दैट दिस हैज ए पोएटिक जस्टिस। बोलो, क्लियर हो गया पोएटिक जस्टिस? यस ठीक है, सर, अब हम लोग हर किसी के दिमाग में पोएटिक जस्टिस, हर कोई चाहता है कि पोएटिक जस्टिस हो, बोलो चाहते हो कि नहीं? यस सर, ठीक यस है, सर, यानी कि हमारी साइकोलॉजी है कि एवरीथिंग शुड बी गुड एंड हैप्पी। ऑल राइट, अब मैं चलता हूं आपको कैथारसिस की ओर लेके। अब आपको पता है कि कैथारसिस तो जुड़ा ही ट्रेजेडी से है, ठीक है? अब देखो क्या होता है, अब इस मूवी थिएटर को आप स्टेज समझ लीजिए, यहां तक किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक नो सर, नो है, सर, अब आप इसको एक स्टेज समझ लीजिए और समझ लीजिए कि एक प्रोटागोनिस्ट है, वो पहले बहुत अच्छा होता है और धीरे धीरे उसकी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज होने लगती है, और अब आप इस प्रोटागोनिस्ट के साथ बड़ी सिंपैथी जताने लगे हैं क्योंकि उसकी स्टोरी से आप जुड़ गए हैं। जैसे ही ड्रामा शुरू होता है आप उसके साथ साथ चल रहे हैं स्टोरी के, और उसके इमोशंस को खुद भी फील कर रहे हैं और अचानक उसकी स्टोरी में कोई ऐसा टर्म, ऐसी पॉइंट या ऐसी डायलॉग या ऐसी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि आप उस हीरो या हीरोइन से भयंकर तरीके से स्ट्रॉन्गली कनेक्ट फील करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी फिल्म में कुछ खास महिलाएं, 10 में से एक महिला या दो महिला या कोई लड़की या कोई लड़का भयंकर रो रहा है, उसके आंसू आने के जो है थमने के नाम ही नहीं लेते, और पहाड़ी में कहते हैं डड़ा डाड़ हो जाती है शुरू। देखा तुमने कभी ऐसा फिल्म में देखता? ठीक उसका कारण यह होता है कि उनके अंदर में पिटी तो होती होती है, सिंपैथी होती होती है, लेकिन आप मानो ना मानो
उनकी लाइफ में कोई या तो ऐसी घटना कनेक्ट हो रही होती है, या किसी को देखा होता है, या कुछ एक्सपीरियंस किया होता है, कोई कॉमन इमोशंस उस सीन या डायलॉग में वो भयंकर तरीके से फील कर रहे होते हैं, एंड दैट एक्चुअली आउटपोर्स देयर इमोशंस फ्रॉम देयर सबकॉन्शियस। बोलो ये क्लियर है मैंने जो कहा? ठीक है, उनको कोई ऐसी चीज याद आ जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा अनुभव जिंदा हो आता है, सदियों का दबा पड़ा सबकॉन्शियस में, एंड दे स्टार्ट वीपिंग लाइक एनीथिंग। आपने देखा होगा ऐसा, देखा है कि नहीं? और घर के बच्चे हंसी उड़ाते हैं, अरे इनको रोना आ गया, क्योंकि बच्चे तो अभी सेंसिबल है नहीं, ठीक है ना, उनके इमोशंस इतने एक्सपीरियंस के रूप में स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप किसी हीरो से स्टेज में चलते चलते कोई एक खास सिचुएशन के चलते बहुत जुड़ गए हैं, और अब उसके लिए आप बहुत सिंपैथेटिक हैं, अब वो हीरो के रूप में मान लिया आप बहुत ईमानदार हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, और आपको ईमानदारी का कभी कोई फल नहीं मिला, आपको झेलना ही पड़ा, लोगों ने आपकी बेइज्जती की और आपको बहुत परेशान किया, टॉर्चर किया, और उस ईमानदारी का जिंदगी भर कोई फल नहीं मिला, और ऊपर से आपको झुक के रहना पड़ा। ऐसा ही एक हीरो है जो वहां स्टेज में ईमानदार दिख रहा है और पूरी तरीके से वो अपनी लाइफ को बिता रहा है, और आप उसके साथ कनेक्ट हो गए हैं, क्योंकि एक कॉमन चीज है जो आपके दोनों के अनुभवों को जोड़ती है कि आप ईमानदार हैं और वो भी आपकी तरह सफर कर रहा है। हिज सफरिंग इज इक्विवेलेंट टू योर सफरिंग, देयरफॉर यू फील कनेक्टेड। यहां तक क्लियर है? अब आपके अंदर दबा हुआ एक इमोशन था, याद रखना, जब भी इसके लिए सताए जाते थे, जब भी आपको टॉर्चर किया जाता था, तो आपको हमेशा एक खुला रिएक्ट करने का मन होता था, लेकिन आपको परिवार, बच्चे और नौकरी जाने के डर से अपने आप को रोक देते थे, और आप अपने उन इमोशंस को सप्रेस कर देते थे और कहीं पी जाते थे। लेकिन सिगमंड फ्रायड कहता है मनोविज्ञान के हिसाब से ऐसे इमोशंस कभी मरते नहीं, दबे रहते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं कि नहीं, कई एक लोग बताओ, करते यस हैं सर, ना? आपको रिएक्ट करने का यस मन करता, आप नहीं करते हो, ठीक है? तो होता क्या है, ये इमोशंस अपने अंदर रहते हैं। अब यहां भी हीरो ऐसा ही आपकी तरह ईमानदार है, लेकिन आपका मन उससे कहता है कि उसको भी कोई टॉर्चर कर रहा है, आपका मन बार बार वो चीजों को जिंदा कर रहा है अपने अंदर, साइकोलॉजी में आपके आ रहा है, इसको मार, इसको एक्सपोज कर, इसको सजा दिलवा, ये आपको हो रहा है कि ये ऐसा हो, कुछ ऐसा हो, ऐसा हो। और जब वो क्लाइमेक्स में पहुंचता है ड्रामा, आप बिल्कुल कनेक्टेड चल रहे हैं, आप पूरी चीजें भूल चुके हैं, ये एक मेडिटेशन की तरह होता है, आप कनेक्ट हो जाते हैं बिल्कुल देखते देखते, वही तो एक्टर की खास बात होती है कि आपको कनेक्ट करता है अपने इमोशन से। और होते 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 एक सीन ऐसा आता है कि जहां पर वो एक्चुअली उसको जबरदस्त तरीके से बेइज्जत और एक्सपोज करता है, और सडनली वो जो आपके अंदर इमोशंस था, सालों का दबा पड़ा, वो कहता है ये हुई ना बात यार हीरो वाली, और आपके अंदर आंसू आ जाते हैं खुशी के मारे, रिलैक्स फील होता है, आ मेरी तरह कम से कम ये नहीं है, इसने किया यार और मजा आ गया, तो आपको ये अच्छा लगता है, पोएटिक जस्टिस भी हो गया और आपके अंदर इमोशंस को एक सुकून मिला, और जो सुकून मिलता है, जो आंसू आते हैं, सुकून मिलता है, वो आपके अंदर सालों के दबे उन फ्रस्ट्रेशन को परगेट यानी कि प्यूरिफाई कर जाता है उन आंसुओं के साथ, या उस रिलैक्स की फीलिंग के साथ जो उस हीरो की वजह से, या उस ट्रेजेडी में जो वो फीलिंग है उसकी वजह से आपकी इमोशंस को, जो फ्रस्ट्रेशंस की नॉट थी उसको प्यूरिफाई कर गया, और आप कुछ पल के लिए बहुत ही रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री फील करते हो। बोलो मैंने जो समझाया वो आपकी समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? यस सर, ठीक है, यस तो ये होता है कैथार्सिस, और ये कैथार्सिस बेसिकली आपको बता दूं बहुत ही निहायत ही साइकोलॉजिकल टर्म है, साइकोलॉजिकल, इसीलिए लोग कहते हैं कि अरिस्टोटल इतना जीनियस था कि जब सिगमंड फ्रायड जो कि 1889-79 के करीब लाता है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, और साइकोलॉजी आती है, उससे सदियों पहले एक जबरदस्त साइकोथेरेपिक जो है टर्म को लेके आया था कैथार्सिस, जो पूरी तरह साइको जो है लॉजिक का एक टर्म लगता है और साइको एनालिसिस पे डिपेंड करता है। समझ रहे हैं कितना जीनियस वो होगा? देखिए ना, जो है आपके सबकॉन्शियस को भेदने की बात कर रहा है, उसको रिलैक्स करने की बात कर रहा है, और उसके फ्रस्ट्रेशन मिटाने की बात कर रहा है।
समझ गए आप? तो व्हाट इज कैथारसिस, नाउ यू अंडरस्टैंड और नॉट, कि कैसे प्यूरिफाई होता होगा, ठीक है? इसीलिए कहते हैं जब आप रो जाते हैं तो आपको कुछ देर के लिए रिलैक्स फील होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप किसी से कनेक्टेड फील करते हैं तो ट्रेजेडी में ऐसा होता है, वो कहते हैं जब ट्रेजेडी वो ही अच्छी है, कहता है जब वो दर्शकों को ऐसे बांध दे कि जब उसका क्लाइमेक्स पहुंचे और पिटी और फियर अराउज करके जब वो अपने लोगों के अंदर कोई ना कोई एक इमोशन को प्यूरिफाई कर दे तो दैट इज कॉल्ड ट्रेजेडी, कहता है, एंड दैट इज कैथारसिस। और कैथारसिस अगर हो गया ट्रेजेडी में तो इट इज द सक्सेस ऑफ ट्रेजेडी। बोलो, समझ में आया? यस सर, यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो, अब इस कैथारसिस के जो है चार पांच फायदे होते हैं, ठीक है? फोर तो कम से कम डिस्कस किए गए हैं, लॉट ऑफ डिस्कशन, ठीक है? कैथारसिस इज डिस्कस्ड। आपको एक एक गहरी चीज दे रहा हूं जो आपको ऐसे किसी किताबों में नहीं मिलेगी जब तक आप बहुत खोजबीन नहीं करेंगे बहुत ज्यादा। कैथारसिस इज डिस्कस्ड अंडर मेन फोर, अंडर फोर मेन पॉइंट्स। इससे रिलेटेड चार बहुत मेजर पॉइंट है जो हाईलाइट किए जाते हैं। तो कैथारसिस कैसा है? कैथारसिस इज थेरेप्यूटिक। थेरेप्यूटिक मतलब कि ये एक थेरेपी की तरह है, जैसे आपने देखा होगा म्यूजिक थेरेपी, ठीक है, और वाटर थेरेपी, सनलाइट थेरेपी, यानी जो आपको जो क्या करती है, हील करती है। जब आपके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन शांत होगा तो आपके अंदर एक अंदर से इनर हीलिंग होगी कि नहीं होगी? बोलिए। यस सर। दूसरा, ये आपके अंदर मॉरल्स को जिंदा रखती है, इसके अंदर भी इसको डिस्कस किया जाता है। तीसरा, कैथारसिस बहुत ही स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल का मतलब, अब थेरेप्यूटिक का मतलब पर्गेशन हो गया, आप प्यूरिफाई कर देगी, ठीक है, और कैथारसिस जो है पर्गेशन की तरह हो गया इसीलिए, ठीक है। अब मॉरल इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है? मॉरल इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जब ये आपको प्यूरिफाई करेगा तो आपके इमोशंस प्यूरिफाई होंगे और जो है आपके अंदर एक मॉरलिटी डेवलप होगी, और नॉर्मली जो वायलेंट सीन और ये सब चीजें, हॉरर, इनसे आप दूर जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा जब ये कहता है स्ट्रक्चरल, तो स्ट्रक्चरल का मतलब होता है ये एक प्रोसेस होती है। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है? कि एक प्रोसेस होती है कैथारसिस की, और ये प्रोसेस ये बताती है इस बात को कि प्रोटैगोनिस्ट जो है वो अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, ठीक है, उनको जो है समझ पाया है, और ऑडियंस जो है उसके लिए इमोशन नहीं, उसको समझ नहीं पाया है, और ऑडियंस उसके लिए इमोशनल पिटी और फियर की फीलिंग दे रही है, ठीक है, और वो चाहती है कि प्रोटागोनिस्ट इससे बाहर निकले। और इसमें क्या होता है कि ये एक खास तरीके से लिख के ये स्ट्रक्चर बना के इस प्रोसेस को हम जनरेट करते हैं। तो ये कैथारसिस को जिंदा करने के लिए ड्रामेटिस्ट को एक प्रोसेस अपनानी पड़ती है, डायलॉग्स की, सिचुएशंस की। तो ये स्ट्रक्चरल है पूरा। अगर आप खास स्ट्रक्चर्स नहीं बनाएंगे तो वो कैथारसिस पैदा नहीं होगा। जैसे आवा, जब आपको पता है एलिनेशन थिएटर था एक, जो बर्तुल ब्रेस्ट ने शुरू किया था, उसमें वो दर्शकों को जो है उस थीम से ही काट देता था और इमोशनली इन्वॉल्व होने ही नहीं देता था। अब वो कैसे नहीं होने देता था? क्या उनके दिमाग में बैठ जाता था? नहीं, वो ऐसी प्रोसेस देता था, यानी ऐसे डायलॉग्स, ऐसी बातें। तो वो गजब का थिएटर रहा, रिवॉल्यूशनरी थिएटर। वो कभी बाद में पढ़ाएंगे, सॉरी। और चौथा है आपका, जो मैंने बताया नहीं अभी स्ट्रक्चरल के बाद, चौथा इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल में क्या है? इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन इसका मतलब है कि इंटेलेक्चुअल क्लैरिफिकेशन। कैथारसिस एक तरीके से क्या है? हमारे अंदर का इनसाइट एक्सपीरियंस है, अंदर का, भीतर का, ठीक है,
जो इंट्रिंसिक इमोशंस के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो ये एक एस्थेटिक एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक पूरी एक जो है इसको समझने लायक इंटेलेक्ट चाहिए, ठीक है। तो इसको समझने लायक इंटेलेक्ट जब हमारे अंदर होगा कि किसी प्रोसेस से हम किसी इमोशंस को किसी के कैसे प्यूरिफाई करेंगे, जब उतना इंटेलेक्ट होगा तभी हम वैसा ड्रामा वैसी सिचुएशन को क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो कैथारसिस का रिजल्ट क्या होता है, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कैथारसिस, रिजल्ट इज यू बिकम इमोशनली बैलेंस, इमोशनल बैलेंस इसका रिजल्ट होता है, ठीक है। नहीं तो आप अनइमोशनल होके बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो अरिस्टोटल एक तरीके से कैथारसिस को थेरेपी की तरह यूज करता है, जो आपके अंदर मॉरल्स को जिंदा रखता है और आपके अंदर जितने भी गिल्ट हैं या कोई नॉट्स हैं साइकोलॉजिकल या कुछ अनरिजॉल्व्ड इमोशंस हैं, वो सब प्योरीफाई होके और जो है परगेट होके प्योरीफाई होके आपके अंदर एक रिलैक्स जो है करते हैं और आप एस्थेटिक प्लेजर का सुख उसमें एंजॉय करते हैं। तो ये कैथारसिस का बेसिक फर्स्ट लेक्चर आपका हो गया और उस हिसाब से जो है आपका कैथारसिस कंसेप्ट बिल्डिंग आपकी यहाँ पर खत्म हुई। इस पे जो और क्वेश्चन बनते हैं वो हम दूसरे लेक्चर में लेंगे और जो क्वेश्चंस मेन मेन है। यहां तक किसी कोई दिक्कत है तो वो बताए और बताए कि कैसा रहा उनके लिए लेक्चर, उनको समझ में आया जैसा उन्होंने सोचा था, बोलो। कैथारसिस से रिलेटेड चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर, यस सर, बहुत अच्छा था सर, हो गई सर, अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसके रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजूंगा और इसके रिकॉर्डिंग का लिंक मैं उसमें भी शेयर कर दूंगा अपने स्टेटस में और यूट्यूब में भी डाल दूंगा। तो आज का ये यहीं खत्म करेंगे और फिर अब जो है बाकी चीजें मैं इन्फॉर्म करूंगा आपको पर्सनली। और जो लोग ये अगर सोच रहे थे कि जाने कोर्स में कैसा है, कैसा पढ़ाएंगे, हमें समझ में आएगा नहीं आएगा, अगर कोई है यहाँ पर मौजूद तो वो भी कुछ चीजें पूछ सकता है, उसे समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं ऑफ कर रहा हूँ क्लास को। ओपन सर, वंडरफुल सर, वंडरफुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, वंडरफुल, ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर।